बदकिस्मती ये है कि हमारे इश्यूज़ के अंदर जो सबसे बड़ा इशू कोर इशू है वो कश्मीर है। कश्मीर में जो हालात हैं और जो कश्मीर के लोगों ने पिछले 30 साल में जो उनकी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, जो होनी थी, अगर फ़ौज से मसले हल हों और शहरी इलाकों में आप फ़ौज लेके जाएंगे, कहीं भी दुनिया की फ़ौज जब शहरी इलाके में जाती है ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। और कश्मीरी लोगों ने बड़ा सफ़र किया इस वक्त। कोशिश होनी ये चाहिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लीडरशिप को कि हमें टेबल पे बैठ के हम कोशिश करें इस मसले को हल करें, ये जाने तो नहीं लगा। और अगर यही ब्लेम गेम ही चलती रहेगी कि जी पाकिस्तान की वजह से ये हो रहा है और पाकिस्तान सारा वक्त हम समझते हैं कि बलूचिस्तान में जो हो रहा है वो हिंदुस्तान की वजह से हो रहा है, ये तो हम स्क्वायर वन पे हैं इस वक्त। मैं ये चाहूँगा कि अगर हिंदुस्तान की लीडरशिप तैयार है, हम बिल्कुल तैयार हैं कि हम अपने ताल्लुकात बेहतर करें। आप एक कदम हमारी तरफ आएंगे, हम दो कदम आपकी तरफ जाएंगे, लेकिन आगे भी तो बढ़ें। अभी तक तो ये एक वन साइडेड किस्म की रिलेशनशिप है कि ब्लेम किया जा रहा है पाकिस्तान को, हर जिस किस्म की दुनिया में कहीं दहशतगर्दी हो तो पाकिस्तान को ब्लेम किया जाता है। तो मैं ये चाहूँगा, ये मेरा मैं कन्विक्शन से कह रहा हूँ कि ये दोनों, ये सब कॉन्टिनेंट के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमारे मुल्कों के अंदर दोस्ती हो और हम अपने जो मेन इशू है उसको डायलॉग से हल करें।